वेलकम टू दृश्य क्लासेस। अभी तक हम स्कंदगुप्त देख रहे थे, और स्कंदगुप्त के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा वो बता जो उनका दर्शन है वो थोड़ा बता दिया था। आज अपन नाटक के बारे में देखेंगे, जैसे कि रस निष्पत्ति क्या होता है, नाटक कैसा है, दुखांत है, सुखांत है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रस योजना के ऊपर। तो रस योजना के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे इसका, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। रस योजना के अंदर देखेंगे, तो रस योजना क्या है। सबसे पहले रस क्या है, तो रस क्या है, आम का रस है, गन्ने का रस है, कौन सा रस है। तो ये एक तरीके की वस्तु है, यानी कि सामान्य जीवन के अंदर इसको हम वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि आस्वाद्य, जिस वस्तु का स्वाद लिया जाता है, यानी कि टेस्टी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं आस्वाद्य। जैसे कि आपने कभी आपने देखा होगा कि आपने, जैसे कि मिट्टी के अंदर खुशबू नहीं होती, लेकिन जैसे बारिश की बूंदें पड़ती हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो सौंधी सौंधी सी खुशबू उड़ने लग जाती है। तो वो खुशबू कहाँ थी, पानी में थी। अगर पानी में होती तो नाले के पास में भी वो खुशबू आ रही होती, तो इसका मतलब क्या है, वो खुशबू मिट्टी में ही थी, यानी कि थोड़ी सी विशेष परिस्थिति मिलते ही वो सुगंधित हो गई और वो फूट पड़ी। इसी तरीके से जो सारे रस होते हैं ये व्यक्ति के अंदर होते ही हैं, कुछ ऐसा माहौल और कुछ ऐसी चीज़ें मिलने के बाद में वो फूट जाते हैं, यानी कि सामने आ जाते हैं। तो ये अस्वाद्य वस्तु, जैसे कि कोई स्वादिष्ट वस्तु आप खाओगे तो एकदम से टेस्ट आ जाएगा ना, जो उसे बोलते हैं स्वाद आ गया, अरे वो चीज़ खाने के बाद तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ऐसे वाली बात होती है ना, जिसे बोलते हैं स्वादिष्ट। अब क्या है, रस अस्वाद्य है। पहली बात तो ये है कि रस की अनुभूति हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 1 किलो रस आप जाके मार्केट से ले आओ, भैया 1 किलो रस देना, ऐसा नहीं। अनुभूति हो सकती है सिर्फ उसकी, आप किसी चीज़ को देख के उसको अनुभूत कर सकते हो, हाँ भाई सौंदर्य रस है, वे विभत्स रस है, कौन सा रस है, जो सारे आप उसकी अनुभूति कर सकते हो। इसके अंदर ज्यादा 3 अनुभूतियाँ हैं, एक तो ब्रह्मानंद सरोवर सोदर, एक है वेदांतर स्पर्श शून्यता, एक है लोको नर चमत्कार प्राणी। देखो बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि थोड़े ऐसे क्या ही है, संस्कृत के शब्द हैं तो जोड़ जोड़ के, यानी संधि के नियम से जोड़ जोड़ के इन शब्दों को बनाया है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे, जैसे कि आप, ये वेद्य अलग हो जाएगा, अंतर अलग आ जाएगा, फिर उसके बाद में स्पर्श अलग हो जाएगा, शून्यता अलग हो जाएगा, ये सारे शब्द अलग अलग हो जाएंगे, तो इससे क्या आप इसके अर्थ निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, वेद्य का मतलब होता है जैसे कि जो मिल जाता है ना किसी, मतलब चिपकना है या दो चीज़ों को जुड़ना है, इससे बोलते हैं वेद्य। अंतर स्पर्श शून्यता, इसका मतलब है रस प्राप्ति की अवस्था में जानने योग्य तथा जाना हुआ सब भूल जाता है आदमी। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप, जैसे कई लोग कोई फिल्म देख के आए, मान लीजिए कि अब सब जाके गजनी फिल्म देखे हैं, अब गजनी फिल्म के अंदर कई लोग जो दर्शक होते हैं ना वो भोले किस्म के होते हैं थोड़े मेरी तरह। अब वो क्या है, सब बेचारे टेंशन में, अरे काश एक बार उसको पता चल जाता कि भाई कितना अमीर है, एक बार पता चल जाता बेचारे स्वागन मर जाती, इस तरीके का, मतलब एक बार पता चल जाता, इस तरीके की बातें होती हैं। या फिर आप देखो कई कई ऐसी फिल्में होती हैं जिसके अंदर क्लाइमैक्स ऐसा खतरनाक हो जाता है तो पाठक शुद्ध हो जाता है एकदम, अरे यार, या दर्शक एकदम ऐसा हो जाता है टेंशन में, अरे काश ये हो जाता, मतलब उनको सब पता है कि भाई ये हीरोइन जो है ये किसी और नाटक में भी काम करती है, किसी और फिल्म में भी काम करती है, अभी आधे घंटे बाद दूसरी फिल्म में आ जाएगी, ये सब पता है हमें, लेकिन काश यार बस इतना सो जाता, मतलब आदमी जो ज्ञान जानता हो, जो ज्ञान है ना वो बिल्कुल भूल जाए, सारी चीज़ें भूल के बस उसके अंदर ऐसा खो जाए कि बस पागल हो जाए, जैसे होता है ना, जैसे कि आपको अगर पहले पता चल जाए, अरे इसकी तो वो उसके साथ चक्कर है, अरे इसका तो उसके साथ चक्कर है, अरे ये, तो आप उस रस के अंदर घुल ही नहीं पाओगे, आपको ये कभी रस पता नहीं चलेगा, अरे आप क्या पहले से पता चल जाए, अरे ये तो नाटक कर रहे हैं, अरे इसका तो वहाँ चल रहा है, अरे इसका तो सब कुछ भूलना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े सारे होल होते हैं, उसके अंदर काला अंधेरा करके रखा जाता है बिल्कुल, और पर्दे ऐसे लगा दिए जाते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए, काले पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि बिल्कुल अंधेरे का अनुभव हो, सारे गेट वोट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपको पास में बैठा हुआ कोई आदमी दिखे ही नहीं, जब लगता है अमीर तो है नहीं अपन कि पूरा हॉल बुक करा ले, अकेले बैठे हैं, ऐसा नहीं, तो अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी आपको दिखे नहीं, आप जो भावनाएं हैं आपके मन में एज इट इज निकल सके। जैसे कि आपको अगर रोने के मन में आ रही है तो आप रो दें, तो ऐसा नहीं यार पड़ोसी क्या सोचेगा, कोई देख नहीं रहा आपको। जैसे कि घर की महिलाएं होती है ना जो, उनको आप कभी वो नाटक देख रहे हो ना तो उनको देखा करो, ऐसे मतलब नाटक के अंदर अगर कोई रो रही है तो वो भी रोने बैठ जाएंगी, और कोई हंस रही है तो खुद भी हंसेंगे। जैसे कोई बहुत तगड़ी फिल्म आती है तो थोड़े दिन तक वो आदमी वही वैसे के वैसे घूमते हैं कि भाई वो गजनी वाली कटिंग करवा लेंगे, खुद ही गजनी बन के घूम रहे हैं, और ऐसा हो जाता है। तो मतलब सब कुछ भूल के और उसी के अंदर खो जाना, यह होता है वैद्य अंतर स्पर्श शून्यता। मतलब एक अगर आपके कोई मन में जो रस है
वो उत्पन्न हो गया, तो आप सब चीजें मतलब सब कुछ भुला के सिर्फ वही चीज दिखेगी आपको, और उसके अलावा कोई चीज नहीं दिखेगी। स्थाई भाव, आप देखो इसके अंदर एक शब्द छूट गया, वो है स्थाई भाव। स्थाई भाव की बात होती है कि ऐसा भाव जो रस की पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहे, ये स्थाई भाव ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच कर ही रस के परिवर्तन हो जाता है। देखो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि भाई जो मट्टी होती है उसके अंदर कोई खुशबू नहीं आती, अभी आपको कोई खुशबू नहीं आई, आप सुन के देखो जैसे बारिश की बूंदें पड़ेंगी ना उसके ऊपर, तो उसके अंदर से एक सौंधी सौंधी खुशबू उठने लग जाएगी, सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी। तो वो खुशबू कहाँ से आई है? वो पानी में थी खुशबू, ऐसा नहीं है अगर पानी में होती तो गंदे नाले में से प्यारी होती, वो खुशबू मट्टी के अंदर ही थी, यानी कि मट्टी के अंदर ही वो खुशबू थी। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सारे स्थायी जो भाव है वो हमारे शरीर में ही है। जैसे कोई भाव बढ़ जाता है तो वो सामने प्रखर रूप से आ जाता है, वो रस बन जाता है। इस तरीके से स्थायी भाव सारे हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यार आज मैं जो है श्रृंगार रस छोड़ जाता हूँ घर पे, या ये स्थायी भाव घर छोड़ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको सारे अपने जो स्थायी भाव है वो अपने साथ ही रखने पड़ते हैं, और कहीं पे भी जब उसको पूरा माहौल मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, तो वो उत्पन्न हो जाता है और बाहर आ जाता है। विभाव, अनुभाव, ये अभी नहीं बोलते हैं, जैसे संचारी भाव, ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती है तो स्थायी भाव जो है हमारे अंदर से निकल जाता है, और फिर किसी न किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो रस कितना है? 9 + 2 = 11, 9 2 11, ये वाले रस है हमारे पास। तो इस तरीके से रस की उत्पत्ति होती है। अब स्थायी भाव के बाद में रस देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो अपने पास जो रस हैं वो ये हैं, रस इधर की साइड में तीन रस, जैसे कि स्थायी भाव है ना श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव कौन सा है? रति। वीर रस है, उसका स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह। शांत है, उसका स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद्य यानी वैराग्य। हास्य रस है, और उसका स्थायी भाव क्या है? हास। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। बहुत देर तक अगर आपको क्रोध रहेगा ना, तो आपके अंदर जो रस उत्पन्न होएगा उसे बोलते हैं रौद्र रस। अद्भुत, इसको बोलते हैं विस्मय। विभत्स, इसको बोलते हैं जुगुप्सा। करुण रस, तो ये शोक से। उसके बाद में भयानक, तो भय। वात्सल्य, वात्सल्य वासल के वात्सल्य हो जाएगा, भक्ति, और ये ईश्वर विषयक रति हो जाएगा ये आपका। तो ये सारे भाव आपको एचजीटी थोड़े बहुत याद कर लेंगे, विजिट में आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये जो है अंगी रस है, ऊपर वाले जो आपको तीन रस दिख रहे हैं ये अंगी रस है, और ये बाद में माने गए हैं ये दो रस, इसीलिए मैंने आपको बताया था 9 + 2 = 11, 9 2 11 का कॉन्सेप्ट यहीं से आया होगा। तो ये दो रस जो हैं बाद में माने गए हैं, ये भक्ति रस और वात्सल्य, और वत्सल रस जो है ये बाद में माने गए हैं, और ये नौ तो पहले से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको थोड़े थोड़े अच्छे समझ में आने लग जाएंगे। जैसा श्रृंगार रस है, तो जब रति रति स्थायी भाव बहुत लंबे समय तक रहता है तो श्रृंगार रस पैदा हो जाता है। उत्साह बहुत लंबे समय तक रहेगा तो वीर रस पैदा हो जाएगा। निर्वेद्य, अगर स्थायी भाव बहुत लंबे समय तक रहेगा वैराग्य का, तो शांत आ जाएगा अपने पास। हास बहुत लंबे समय तक रहेगा तो हास्य रस आ जाएगा। क्रोध अगर बहुत लंबे समय तक रखेंगे अपन तो रौद्र रस आ जाएगा। विस्मय, विस्मयता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी तो अद्भुत हो जाएगा। जुगुप्सा अगर बहुत लंबे समय तक अपने शरीर अपने में है तो विभत्स आ जाएगा। शोक अगर कोई है तो करुण आ जाएगा। भय अगर बहुत लंबे समय तक रहेगा तो भयानक भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। वात्सल्य अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वत्सल जो है हो जाएगा, और ईश्वर विषयक रति अगर रहेगी तो भक्ति के अंदर वो बदल जाएगा। आपको सारे रस और उसके सारे स्थायी भाव थोड़े थोड़े याद हों तो सही रहेगा। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर दर्शन की बात है कि कई बार क्या होता है कि निष्पत्ति जो होती है ना अभिव्यक्ति, जैसे कि बरसात में मिट्टी की गंध जो मैंने आपको बताई निकलती है, तो सबसे मेन चीज़ होती है निष्पत्ति। अगर जैसे कि मान लीजिए ये आर है यानी कि राम है, और राम और सीता का कोई संवाद चल रहा है मान लीजिए, और उसका अभिनय कर रहे हैं R1 और R2 है ना, मतलब स्टेज के ऊपर ही है, और यहाँ पे ऑडियंस बैठी है R3 और S3, ये S3 S2 है। इनके मन में जो भाव आ रहा है ना, इनके मन में जो भाव आ रहा है वो भाव ठेठ यहाँ पहुँचाना है इसके माध्यम से। तो इनके मन में जो पहली बार भाव आया होगा वैसा का वैसा ही अभिनय इनको करके दिखाना होगा, ताकि जो ये ऑडियंस है दर्शक है वो उनके मन में भी वैसा का वैसा भाव जाए जो इनके मन में आया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो इनको इतनी शानदार जो है डायलॉग डिलीवरी एक्टिंग जो भी है अभिनय इतना शानदार करना पड़ेगा कि जो भाव इनके मन में शुरू में आया होगा वो का वही भाव इनके अंदर पहुँच जाए। इसे कहते हैं अपन अभिनय। तो अभिनय जैसे बहुत कई बार
मान लीजिए अभिनय के भी अलग 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 है, जैसे कि मान लीजिए आपके राम बने हुए हैं सुरेश भैया और सीता बनी हुई है रमेश, अब रमेश की क्योंकि मूछे नहीं है और थोड़ी क्यूट सी शक्ल है तो उसको स्त्री बना दिया। छोटे नाटकों के अंदर होता है गढ़ी नुक्कड़ गाँव के नाटकों में कि लड़के लड़के मैनेज कर लेते हैं सारे। अब वो यूँ बोल रहा है कि भाई ठीक है मैं तुमसे मतलब वाटिका में मिलते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की, और वो मतलब मान लीजिए कोई प्रेम का प्रसंग चल रहा है और प्रसंग के अंदर एकदम से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो उसके मन में फीलिंग्स नहीं आएगी। अरे यार वो बड़ा साहब किताब है, मतलब एग्जैक्ट वो वाली फीलिंग्स नहीं आ पाएगी जो एकदम डूब के एक्टिंग वाली बात होती है ना। अब मान लीजिए R1 जो है रमेश है और ये R2 जो है सीता है या कोई गीता है, कुछ भी मान लीजिए, अब ये S2 जो है कोई लड़की है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में थोड़ा जान पहचान है, ऐसा प्रेम का भाव भी नहीं है और बिल्कुल नफरत का भाव भी नहीं है। अब जो इस ये एक्टिंग करेगा तो ये उस बिंदु तक तो पहुँच सकता है कि जिस बिंदु पर दर्शक जाना, जिस बिंदु पर दर्शक को ले जाना है अपन को, तो पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, हो सकता है नहीं पहुंचे और हो भी सकता है पहुंच जाए, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी तुलना में इसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। अब ऐसा है लोग कि R1 है और S1 है, अब ये दिन में चार चार पांच नाटक करते हैं, मान लीजिए तीन ही है R3 और S3, ये दिन में चार पाँच बार नाटक करते हैं और एक ही नाटक दिन में 3 बार करते हैं और हफ्ते में 7 दिन ये नाटक करते हैं। अब क्या होगा कि थोड़ी देर तो ये बोलेगा, फिर उसके बाद में वही डायलॉग इसको सुनने है, फिर वही डायलॉग ये बोलेगी, तो क्या था आदमी बोर हो जाता है, तो वो फीलिंग्स नहीं आ पाती, वो बात नहीं आ पाती। अब वही बात है कि निष्पत्ति का असली मतलब यही होता है, एक्टर का मतलब यही हुआ कि वो हर बार जो भी करे वैसा ही करेक्टर, बिल्कुल वैसा ही ऑडियंस को तादाद में होना चाहिए जैसा कि पहले नाटक के अंदर हुआ था, तब तो नाटक सफल है, नहीं तो लोग गायब हो जाएंगे। नाटक के 3 ही कसौटियाँ हैं, पहला कि जितनी टिकटें हैं उससे ज़्यादा लेने वाले बाहर हों, दूसरी अगर कोई नाटक के अंदर आ जाए तो वो बाहर नहीं जाए, ऐसा होता ना कि कोई दरवाजे बंद कर दिए तुमने वो बाहर ही नहीं जा पा रहा है, ऐसा नहीं, दरवाजे खुले हों फिर भी वो बाहर नहीं जाए, और तीसरी कंडीशन है कि वो सो नहीं रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है मैं बाहर नहीं जा रहा इसका मतलब अंदर ही सो रहे, ऐसा नहीं लास्ट के अंदर वो जग भी रहे हों, तो ये 3 कंडीशन है कि भाई जग रहे हों, सीटें फूल हों और लोग वापस भी आए, ये 3 कसौटियाँ। अगर ये चीज़ चल रही है तो उसका मतलब नाटक चलेगा आपका बहुत शानदार तरीके से। तो निष्पत्ति ये होता है अभिनय, जैसा आप बिल्कुल ठेठ तक पहुँचाना है दर्शक के मन में। एक भरत मुनि ने नाट्य काव्य शास्त्र के अंदर अपने लिखा था, तो उसके अंदर एक बड़ा सारा उन्होंने सूत्र दिया था, जैसे कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोगात्र रस निष्पत्ति, पूरा एक ही शब्द था, उसको अपन टुकड़ों में करके ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरे टुकड़े कर दिए मैंने इसके। ये तत्र का मतलब होता है वहाँ, वहाँ से मतलब है मंच पर, वहाँ ऐसा नहीं वहाँ पे, वहाँ नहीं मंच की बात हो रही है यहाँ पे, तो तत्र का मतलब होता है मंच पे। एक वाक्य के अंदर समझ सकते हैं, जब मंच पर अभिनय होता है तो दर्शक के स्थायी भाव का सहयोग मंच पर उपस्थित विभावों अनुभवों और संचारी भावों के साथ होता है, इस प्रक्रिया के पूर्ण बिंदु पर दर्शक के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है, वह अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति रस की निष्पत्ति है, अभिव्यक्ति बात एक ही है, रस की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि आपको कंटिन्यू भाव दिए जा रहे हैं, अनुभव दिए जा रहे हैं, वे विचार संयोगात स्थायी भाव जब तक कंटिन्यूस रहेगा, स्थायी भाव के बाद में क्या होगा कि आपको रस की निष्पत्ति हो जाएगी। रस की निष्पत्ति मतलब जिस रस को पाठक तक पहुँचाना था वो रस पाठक तक या दर्शक तक पहुँच जाएगा, तो ये बात समझ में आई गई होगी आपकी। मेन काम है रस की निष्पत्ति करवाना, रस की अनुभूति करवाना दर्शक को, तो ये पूरा फॉर्मूला है। अगर आप कहीं पे लिख जाएंगे तो आपका आधा एक नंबर बढ़ जाएगा, वैसे नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, ऐसे दिमाग पे जोर नहीं लड़ा कि भाई हाय कल चूड़िया तोड़ लो आप अपनी, हाय भगवान मेरे से तो याद नहीं हो रहा, छाती पीट लो, तो ऐसा काम मत करना, बाकी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चलता तो वही काम। अब इसके अंदर देख लेते हैं, पहले तो सबसे पहले तत्र का तो मैंने आपको मतलब बता दिया, मंच होता है, जैसे यहाँ से एक एक शब्द को अगर समझते चले अपन, तत्र का मतलब होता है मंच। अगर विभाव की बात करें तो विभाव क्या होता है, देखो विभाव का मतलब होता है वी प्लस भाव, यानी कि भाव के कारण। भाव के कारण कौन कौन से होते हैं, एक तो भाव को उत्पन्न करने वाले होते हैं कारण, एक भाव को गाढ़ा करने वाले कारण होते हैं। भाव को उत्पन्न करने वाले कारण कौन से होते हैं, जो भाव को मतलब उत्साहित करते हैं कि भाई अपना स्थायी भाव को अगर कंटिन्यूस रखा जाएगा तो एक तो भाव उत्पन्न होगा, जैसे कि कोई भाव कोई हीरो हीरोइन मतलब कोई सीन चल रहा है और एकदम से हीरो हीरोइन से बात कर रहा है और इतने में अचानक ही विलन आता है और बंदूक निकालता है और हीरोइन की कनपट्टी पे गोली मार देता है और हीरोइन बेचारी मर रही है, धीरे धीरे मर रही है, हीरो बेचारा बचाने की कोशिश कर रहा है
तो एक थोड़ी देर बाद में क्या है, आपका तादाद में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा अरे भगवान इसे बचा लो थोड़ी देर तक। तो और फिर उसको रस, जो आपके मन में रस उत्पन्न हुआ ना, करुणा का रस जिसे अपन बोलते हैं कि दया का रस उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद में उसी को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए क्या होगा, ऐसा म्यूजिक दिया जाएगा पीछे, एक आधी थोड़ी सी रोने की एक्टिंग, एक आंटी जी मतलब किसी और को बुला लिया जाएगा, और उसके अंदर दो तीन रस ऐसे हैं कि आपको जैसे मान लीजिए उस टाइम में पुलिस आ गई और वो पिस्तौल लड़के के हाथ में है, पुलिस उसको खींचती हुई लेके जा रही है, तो वो क्या है आपका रस और भी गाढ़ा कर रही है, आपको थोड़ा और दया की भाव आएगी कि यार देखो बेचारे उसकी गोली लग गई और उसको संभालने भी नहीं दे रहे, पुलिस वाले कितने निर्दयी उसको लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो एक तो होता है रस गाढ़ा करा जाता है और एक रस उत्पन्न किया जाता है, इनके भी दो दो भाग हैं जैसे अपन समझ सकते हैं। एक इसका जो पूरा है, जो उत्पन्न करने का जो भाव, भाव को जो उत्पन्न करने को बोलते हैं अपन आलंब विभाव, आलंबन विभाव बोलते हैं अपन। इसमें दो होते हैं, एक तो विषय और एक आश्रय। विषय का मतलब ये होता है कि देख जैसे कि मान लीजिए एक हीरो है और एक हीरोइन है, अब हीरो ने जब लड़की को पहली बार देखा तो मुग्ध हो गया, मतलब कि ऐसा हो गया भाई इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक ज़िंदगी में पहली बार देखी है, ऐसे हो गया बिल्कुल पागल सा। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाके लड़की को भी एकदम से नज़रें मिल जाती हैं और फिर वो भी देखती है और उसको ऐसा लगता है वाह इतना चॉकलेटी हीरो कैसे हो सकता है कोई लड़का। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा हो गया, जैसे पहली कंडीशन के अंदर जब लड़का लड़की को देख रहा था तो वहाँ पे लड़की जो थी आश्रय थी और लड़का जो था विषय था, जिसके बारे में मन में भाव आते हैं। तो लड़के के मन में भाव आए तो वो विषय है और आश्रित कौन है, लड़की है जिसके प्रति भाव आ रहे हैं। जिसके मन में भाव आएगा वो आश्रय है और जिसके प्रति आ रहे हैं वो विषय है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद में लड़की जो है वो भी इधर देखेगी, तो ये सीन एज इट इज चलेगा। तो कभी तो ये आश्रय बन जाएगा, कभी ये विषय बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब तू आश्रय बन गया अब तू विषय बन, या अब मैं आश्रय बन गया अब मैं विषय बनूंगा, ऐसा नहीं है। तो एक ही समय पर दोनों आश्रय विषय भी हो सकते हैं, जैसे ये आश्रय होगा तो ये विषय तो ये आश्रय, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना टकटकी लगा के, तो ये दोनों भाव साथ साथ में चलते हैं। भाव को गाढ़ा करने वाले को बोलते हैं अपन उद्दीपन विभव। उद्दीपन करने वाला यानी भड़काने वाला जैसे बोलते हैं ना अपन, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो विषय की चेष्टा है और एक वातावरण, जैसे कि हरकतों से उत्पन्न हुए भाव को प्रगाढ़ कर देना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी आदमी से भयंकर नफरत करते हैं और वह आपके सामने आ गया, अब आप मई जून की गर्मी में वैसे बाहर खड़े हो, आपका दिमाग वैसे 100 पे चल रहा है पारा, और आपको माता बहुत ज़्यादा दिक्कत है मतलब सर में दर्द हो रहा है आपके, और आपको बहुत भयंकर गुस्सा भी आ रहा है, और इतने में वो आ गया। अब आपको उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें सामने आ गया, तो तुम बोल रहे हो कि चल जाओ यहाँ से, और वो बोल रहा है अच्छा तेरे बाप की रोड है टैक्स टैक्स खरीद रहे की तुम्हें रोड, तो बोल रहे हो अरे भाई चल जाए नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा कर ले झगड़ा, और गाली और बक दिया आपको तीन चार, तो फिर क्या होगा, फिर भाई साहब जो बहुत देर से जो क्रोध है ना वो क्रोध विवश से रस में बदलेगा, और उसके बाद में वो या तो लड़ाई होगी या कुछ होके रहेगा वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें वो हरकतें कर रहा है वो क्या है, रस को गाढ़ा कर रहा है, यानी आपको तो गुस्सा तो पहले आ रहा था और वो आपको उकसा रहा है, तो यानी चीज़ें गाढ़े कर रहा है वो, मतलब जो अपने आपको गुस्सा है वो और बढ़ा रहा है। माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे प्रभाव पर, जैसे कि आप अगर आपको गुस्सा आ रहा है मान लो ठंड के अंदर बैठे हैं, ठंड के अंदर थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो आदमी एडजस्ट कर लेता है यार तो अब चलो जाने दो। अब मान लो आप गर्मी के अंदर खड़े हो, रेत पे खड़े हो, गलती से आप चप्पल भी एकदम जल्दीबाजी में बाहर आ गए, चप्पल भी नहीं पहन के, तो फिर क्या है आपका माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गुस्सा जो है चरम आसमान पर पहुँच जाएगा, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाएगा। तो क्या है वातावरण भी जो है भावों को गाढ़ा करने के लिए होते हैं। तो आपके समझ में आए गए होंगे विषय की चेष्टाएं यानी हरकतों से उत्पन्न करने वाले भाव, भाई एक बार स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद वातावरण भी उसको बढ़ावा देता है, कि जैसे किसी चीज़ का वातावरण ऐसा होगा, जैसे कि कई बार क्या होते हैं कि ऐसा वातावरण होता है जैसे मान लीजिए लड़का लड़की से कुछ कहने वाला है और थोड़ी देर बाद में जैसे कुछ बोलने लगता है, इतने में बारिश हो जाती है, बारिश में क्या है रोमांटिक थोड़ा माहौल हो जाता है, फिर पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है तो जो श्रृंगार रस है वो थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता बढ़ता फिर वो अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। तो ये क्या है माहौल से उसको जो रस है उसको गाढ़ा किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो विभाव हो गया, उसके बाद में आता है अनुभव। अनुभव क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था अभिनय को बोलते हैं अपन अनुभव,
ये यत्नज भी होता है और अयत्नज भी होता है। यत्नज का मतलब जो करे जा सके और जिनको रोका भी जा सके, मतलब आप स्टार्ट कर दो और आप रोक भी दो, उसको बोलते हैं यत्नज। जो प्रयत्न से किया जा सकता है, जैसे कि वाचिक है, आर्य है या आंगिक है, आप कुछ बोल के या बोलना स्टार्ट करें तो रुक भी सकते हो। कायिक भी है, आंगिक मतलब कोई इशारे इशारे कर रहे हो तो चल जाएगा काम। कई ऐसे होते हैं यत्नज जिनको ना तो आप शुरू कर सकते हो ना बंद कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि हिप्नोटाइज, जिसका आपने नाम सुना होगा, हिप्नोटाइज कर देते हैं कई लोग, है ना। तो क्या होता है कि हिप्नोटाइज इतना खतरनाक कर देते हैं कि अगर आपको जैसे हाथ में थोड़ी देर में हिप्नोटाइज करके अगर आपको हाथ में ये छड़ी दे दें, और छड़ी लोहे की छड़ी पकड़ा दी और आपको बोले कि भाई बहुत भयंकर ठंड हो रही है, और अगर ये आप पहाड़ के ऊपर लटके हो और ये छड़ी पकड़ी हुई है आपने, मतलब ये डंडा पकड़ा हुआ और ये आखिरी छोर है, और आपके कान में कोई बोल दे कि भाई आपको कई लोग छुड़वाने आएंगे लेकिन छोड़ मत देना, आप घर पे आपकी बीवी इंतजार कर रही है तो बहुत टाइट पकड़ के रखनी है, फिर आप पच के मर जाओ लेकिन वो लकड़ी नहीं, वो जो डंडा है वो नहीं छोड़ेगा वो आदमी, हिप्नोटाइज हो जाता है। मतलब पूरे चेतन वो दिमाग से थोड़ा सा जगरा होता है लेकिन वो कुछ भी समझने लायक नहीं होता, इस तरीके से जो होता है ना। जैसे कि आंसू है, एक तो ग्लिसरीन लगा के निकालते हैं और एक वेदना के उस स्तर में पहुंच जाते हैं कि बस नेचुरल आंसू निकल रहे हैं बिल्कुल। कपन है, कप कपी होती है ना, जैसे कपन है, स्वेद है, विवर्णता है, चेहरे का रंग उड़ जाना जैसे होता है ना, विवर्णता, स्वेद है, विवर्णता है, इसमें मतलब पसीने आ जाना, स्वेद है मतलब पसीने आ जाना, जड़ता है यानी कि बेहोशी की स्थिति पहुंच जाए तो वो ये हो जाएगा, बेहोश हो जाती है जैसे स्थिति, जड़ता की स्थिति बेहोश हो जाना, विवर्तक, विवर्तन का मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना बिल्कुल एकदम से ऐसा हो जाना एकदम सामने और भूत। अब कई बार क्या होता है, भूत वाला सिस्टम बहुत ना खतरनाक होता है। जैसे कि मान लो किसी रन को डरना भी है और इन्होंने को पता है कि यही आदमी अभी मेकअप करके गया है, उससे थोड़ी देर पहले बात हुई है इसकी, अब उसे डरना भी और ऐसा एक्सप्रेशन लाना है कि भाई बिल्कुल ऐसा चेहरे का रंग उड़ जाए और ऐसा हो जाए। अब ये जो एक्टिंग है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, हर किसी से होती भी नहीं है, ये बहुत मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इसके स्तर पर पहुँचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके की जो है बहुत ये वाली जो है अंत्यज का मतलब, ना तो आप इसको चालू कर सकते हो ना इसको बंद कर सकते हैं, नेचुरल एक्टिंग है ये, और ये बहुत मुश्किल से अर्जित की जाती है। उसके बाद में हमारे पास संचारी भाव, जिसे अपन व्यभिचारी बोलते हैं ना, व्यभिचारी का मतलब होता है अडल्ट्री, आपने नाम सुना होगा व्यभिचार, व्यभिचार को बोलते हैं अपन अडल्ट्री। व्यभिचारी का मतलब जिसमें एक निष्ठा ना हो, एक से ज़्यादा भाव आ जाए। एक निष्ठा का मतलब अगर जैसे एक लड़का एक लड़की दोनों साथ में है, रिलेशन में है, शादी में है, शादी के बंधन में, अगर लड़की किसी और के साथ अगर मतलब रिलेशन में रहती है, लड़का किसी और के साथ जाता है तो उसे बोलते हैं अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा कोई भाव आ जाता है ना अपने रस का, या एक से ज़्यादा भाव आ जाते हैं तो उसे भी अपन बोलते हैं व्यभिचार भाव। एक ही भाव अलग अलग रस के साथ हो जाए अपने साथ, तो ये वाली बात है। जैसे कि असूया, ईर्ष्या का भाव है, उसके अंदर चिंता, ग्लानि, ये भाव भी साथ साथ चल रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए आपके दिल में कभी कभी ऐसा तो आया होगा, जैसे कि ईर्ष्या का भाव होता है अपने अर्थ सूर्य, तो उसके बीच में ईर्ष्या के भाव के साथ साथ कहीं पे इनसिक्योरिटी भी तो होती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे पद पे हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर हैं, तो आप किसी आदमी से जलते हैं या आप किसी को या कोई आपसे जलता है, तो उसके मन में दो या दो से अधिक भाव आ सकते हैं। एक तो चिंता का भाव होगा कि यार कहीं ये मेरी कुर्सी नहीं खा जाए या कहीं ये मेरा जो डेजिग्नेशन है वो नहीं करें। गिलानी भी होती होगी, कई बार आप गलत कर देते हो तो आपको पश्चाताप भी हो रहा है, गिलानी भी हो रही है, तो कई बार एक से ज़्यादा भाव आ जाते हैं। लेकिन ये एक से ज़्यादा भाव आते क्यों हैं तो ये समझ लेते हैं। तो एक तो होता है सहयोगी भाव और एक होता है विरोधी भाव और एक होता है व्यघात। सहयोगी भाव तो जो उसको सहयोग कर रहा है, मतलब उस रस को गाढ़ा कर रहा है, उसे बोलते हैं सहयोगी भाव। जैसे कि कोई बात हुई फिर उसके अंदर वैसी की वैसी स्थितियां बनती चली गई तो वो क्या रस गाढ़ा हो गया, सहयोगी भाव है, मतलब उसको गाढ़ा कर रहा है उस रस को। एक होता है विरोधी भाव यानी श्रृंगार रस के बीच में विभत्स का भाव आ जाना। जैसे कि कई मूर्ख कैसे होते हैं, मूर्खों की तो क्या बात करेंगे, कई मूर्ख कैसे होते हैं कि भाई मान लीजिए कि कोई कहानी लिख रहे हैं तो दो तीन रस एक साथ लेके आए, लड़के ने लड़की को प्रपोज करा है या लड़की ने लड़के को प्रपोज करा है, और प्रपोज करने के बाद में फिर उन्होंने बोला है कि भाई पीटी वाले दिन आ जाना शाम को, और शाम को अपन उस दिन मिलेंगे। अब दोनों जो है वादे के पक्के आदमी 6 बजे वहाँ पहुँच गए हैं और मिलने के लिए तैयार हैं, दोनों अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं, वाइट कलर का सूट और लड़की वाइट कलर की ड्रेस पहन के आई है,
सब कुछ अच्छा चल रहा है, श्रृंगार रस चल रहा है, लड़के ने बैठ के और फूल दिया है, लड़की खुश हो गई है, चलो सीसीडी चलेंगे, या लड़का लड़का खुश हो गया है, चलो सीसीडी चलेंगे, दोनों पैदल पैदल जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा श्रृंगार रस पूरी चरम सीमा पर पहुँचने वाला है, बातें चल रही है, बहुत खुश हैं। और इतने में ही एक गाड़ी गुजरी वहाँ से कीचड़ के अंदर, बहुत भयंकर कीचड़ था, उसके अंदर पैर टायर घिसा और कीचड़ कीचड़ उतर गया, दोनों जो है लड़का लड़की दोनों बेचारे कीचड़ कीचड़ में हो गए, कपड़े बताते तो ठीक था बेचारों के, मुंह पे भी कीचड़ लग गया और पूरा मतलब ऐसे गंदे हो गए, और कीचड़ भी गंदा वाला है, ऐसे छोटा मोटा कीचड़ नहीं, वो सीवरेज का पानी आके मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिल रही है, और बहुत ही स्थायी रूप से रखी हुई है, ऐसी चीज़ उनके ऊपर चेहरे के ऊपर लग गई। अब ये क्या भाव हुआ, एकदम से चेंज हो गया माहौल, श्रृंगार रस चल रहा था, अभी बस सिरस आ गया अपने पास, तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, उससे क्या हो गया, कथानक बिगड़ जाता है कई बार, तो ये नहीं आने चाहिए। व्याख्यात कहता था, विरोधी भावों के आने की वजह से किसी भाव का ठीक प्रकट ना हो पाना, जैसे कि कोई बात चल रही थी, अब जैसे मैं बता रहा हूँ उनके बीच में बात चल रही थी लड़का लड़की के बीच में, और सारी बात होने वाली थी, एस सी सी टी पहुँचने वाले थे, जितने में ही सारा चौपट हो गया, गो ओवर हो गया सारा का सारा, तो ये जो है जो भाव प्रकट होना चाहिए था वो व्याघात होने की वजह से भाव प्रकट नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं रस योजना, रस योजनाओं के अंदर क्या आता है, जैसे अंगी रस है, प्रधान रस बोलते हैं इसको, जैसे इसके अंदर वीर भी आ सकता है, श्रृंगार भी आ सकता है, शांत भी आ सकता है, अंगी अंगी रस ही, इनकी कसौटियाँ क्या हैं, एक तो बहु व्याप्ति हो, परिणति हो और नायक की मूल प्रवृत्ति से हो, यह काव्य शास्त्र की प्रवृत्ति यहाँ बताई गई है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ समस्याएं भी हैं, तो उन समस्याओं को हम देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, फिर आपके पास अगर आ जाएं कि रस योजना की क्या क्या समस्याएं हैं तो आप मुंह तोड़ के जवाब दे सको। तो स्कंदगुप्त में शांत रस है, ये आपको बताना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई शांत रस है, तो अब पहले आप बताएंगे कि भाई वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, मतलब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दें, और बताएं कि वो अंगी रस क्यों नहीं है, आपको पहले बताना है कि क्यों नहीं है, अंगी रस है, शांत रस है, कौन सा रस, जैसे कि पहले बताएंगे अपन, वीर रस भी थोड़ा बहुत दिखता है, श्रृंगार रस भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, शांत रस भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन टोटल मिला के तीनों ही रस इतने मजबूत तरीके से नहीं है, इसीलिए इसे अंगी रस नहीं कहा जा सकता। तो अब पहले देखेंगे शांत रस में क्या क्या होता है, जैसे कि निर्वेद्य है ना, और एक ये श्याम है, श्याम मूलक शांत, और एक है आनंद रस या फिर आनंद मूलक शांति रस, जैसे कि इसके अंदर वैराग्य दिखता है आपको, निर्वेद्य मतलब होता है वैराग्य, वैराग्य दिखता है, वैराग्य दिखेगा भाई, अब शुरू के अंदर जो है स्कंदगुप्त बोल रहा है कि अधिकार सुख कितना मादक, और मतलब अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ऐसे बोलता हुआ दिखेगा, तो वैराग्य तो दिख रहा है, मतलब एक आदमी थक चुका है चीज़ों से, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि चार पांच मान लो दोस्त हैं है ना, और वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, और फिर आके बोल रहे हैं 4 साल तैयारी हो गई और पीटी आया, एक बार मेंस हो गया मान लीजिए, और बेचारे ऐसे हो गए, अब आके बोले बोले अब नहीं होगा, आज के बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी, बोले जिस उम्र के अंदर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए उस उम्र के अंदर पढ़ाई के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे, और इससे ज़्यादा नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब हम कुछ नया ट्राई करेंगे, तो क्या है ये जो हो रहा है ना, ये थकने की भावना है, मतलब मनुष्य थक चुका है, वो चारों लोग थक चुके हैं बिल्कुल, अब उनकी श्रद्धा नहीं है, वो इसमें ज़्यादा डूब नहीं सकते, तो ये जो है वैराग्य का भाव उनके दिन में आ जाएगा, शांत रस के अंदर ही आता है। एक श्याम मूलक शांत रस क्या होता है, श्याम मूलक का मतलब है पूर्णता से उत्पन्न शांत रस, देखो जैसे कि कई लोगों को अगर कोई मंजिल नहीं मिली तो वो छोड़ देते हैं, तो वो अलग हो गया है, वो वैराग्य का भाव है। एक कोई आदमी पहले अटेम्प्ट के अंदर ही आईएएस बन गया, प्रॉपर आईएएस बन गया, और फिर उसके बाद में टाएँ टाएँ 3 दिन 3 साल तक उसने नौकरी करी, और फिर उसको ऐसा लगा अरे यार कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब फालतू है, और लोग बोलेंगे लाल बत्ती लाल बत्ती, अरे क्या लाल बत्ती भाई, चू चू टू टू करती है, दिमाग और ख़राब हो जाता है, सेरोटोनिन की गोले लेके घूमता हूँ मैं आजकल, सब बेकार है, और नौकरी छोड़ के कविताएं लिखने आ जाए, तो ये भी एक तरीके से शांत रस ही है, लेकिन ये सारा भोग करके सारी चीज़ देख के फिर आके इसने सारी चीज़ें छोड़ के और फिर कर रहा है। एक होता है आनंद रस, ना तो कोई आदमी सुख है ना दुख है, सुख और दुख से ऊपर निकल चुका है, और जो वहाँ पे चीज़ मिलती है उसे बोलते हैं आनंद रस। आनंद रस देवसेना के मामले में आप ले सकते हो कि देवसेना कुछ मात्रा में आप ले सकते हो देवसेना, ठीक है, लेकिन पूरा वो भी नहीं है, देवसेना भी पूरी तरीके से आनंद की स्थिति में नहीं है। ये आनंद रस जो अभिनव गुप्त ने, मैं आपको बताया था पहले भी, कश्मीर का ये वो है, और अभिनव गुप्त ने थोड़ा सा इसके अंदर
बताया है, लेकिन ये तीनों ही रस इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहे। देखो वैराग्य भी नहीं बैठ रहा है ना, एक श्याम मूलक शांत रस भी नहीं बैठ रहा, और आनंद मूलक शांत रस शांति भी नहीं बैठ रही, तो तीनों ही नहीं बैठ रहे। अभी तीनों ही नहीं बैठ रहे तो अब आपके समस्या ये आ गई कि भाई ये भी नहीं है वो भी नहीं है तो है क्या। तो रस योजना समस्या क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रसाद जो है ना बेचारे थोड़े समाज को समझ नहीं पाए, क्योंकि उस ज़माने में थोड़े पढ़े लिखे कम थे, और उन्होंने ऐसा नाटक बनाया कि भाई पढ़ना थोड़ा मुश्किल है आज के लोगों के लिए, मुश्किल है तो उस ज़माने में तो आप समझ ही गए होंगे। तो रस साध्य, उनका ये मानना था, वो भारतीय परंपरा से थे और उनका मानना है कि रस ही साध्य, लेकिन वो भारतीय परंपराओं को लेके भी नहीं चलना चाहते। देखो अगर आपको रस को साध्य बताना है ना तो आपको सीधा कथानक लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा कथानक को, कोई आर चार नहीं हो, बिल्कुल सीधा कथानक को दर्शक के दिल तक पहुंच जाए वो, उसे बोलते हैं अपन रस की, मतलब रस की अनुभूति हो जाएगी उसको अगर सीधा कथानक होगा ना, बिल्कुल सीधा कथानक हो, सपाट चरित्र हो, मतलब द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि यार ये करूँ नहीं करूँ, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर ही लेता हूँ, अरे नहीं, अरे हाँ, इस तरीके से जो है ना चरित्रों के मन में द्वंद्व नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सपाट चरित्र होने चाहिए एकदम, बिल्कुल भोला की तरह चल रहा है, बिल्कुल ऐसा वक्रता ना हो, ऐसा झुकझक नहीं होना चाहिए, द्वंद्व ना हो, ऐसा वक्रता ना हो, बिल्कुल सीधे सपाट होने चाहिए, तब रस की ज़्यादा अनुभूति होती है। समुचित विभाव हो, अनुभव हो, संचारी भाव हो, ये सारे भाव जब एक तरीके से होंगे और बिल्कुल सपाट चरित्र होगा, सीधा कथानक होगा, वक्रता नहीं होगी, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो रस जो है बिल्कुल सीधे पाठक तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं रस साध्य के रूप में काम में आ जाएगा। लेकिन आप किसी भी आदमी को इतना कमज़ोर नहीं समझ सकते ना, अब उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तो अब उनकी मजबूरी क्या रही है कि वो मतलब भारतीय परंपरा को आगे भी लेके चलना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें रख भी नहीं पा रहे, क्योंकि देखो स्कंदगुप्त के मन में द्वंद्व चल रहे हैं बहुत ज़्यादा है ना, और एक तरीके से दो चार कैरेक्टर के मन में द्वंद्व चल रहे हैं, तो द्वंद्व आने नहीं चाहिए क्योंकि अपने रस की अनुभूति करवानी है, तो इसकी अनुपस्थिति पाई गई है इस नाटक के अंदर। रस जो है इन सारे चीज़ों की अनुभूति थोड़ी कम, मतलब इसकी अनुपस्थिति पाई गई है, ये होना चाहिए था भारतीय नाटक है तो ये होना चाहिए था, लेकिन इनकी थोड़ी अनुपस्थिति आई है। तो ऐसा क्यों हो गया? तो इसके दो कारण हैं, एक तो है समकालीन जगत से जुड़ा हो। देखो अगर रस का मेन होता तो पहले क्या होता है कि सीधा सपाट करेक्टर उस ज़माने में थे ही नहीं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उस ज़माने में आज़ादी की लड़ाई के अंदर कई लोगों के मन में द्वंद्व चल रहे थे, बहुत सारे लोगों के मन में द्वंद्व थे किसके क्या थे, तो द्वर्ग और संघर्ष उस समय बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आज़ादी के समय का माहौल था। वक्र कथानक विरोधी भाव हमेशा आने जरूरी हो गए, क्योंकि क्या होता है कि ज़िंदगी में जैसा चल रहा हो ना लोगों को वैसा का वैसा ही करना पड़ता है, नहीं तो क्या है विरक्ति का भाव, मतलब ऐसा भाव आ जाता है अरे यार ये तो सब नाटकों में होता है, अरे यार ये तो रियल लाइफ से अगर कुछ जोड़ेंगे ना तो लोग बाग उसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए व्याघात दिखना चाहिए। भारतेंदु जो कर रहे थे वो उसको आगे पहुँचाना चाहते थे, यानी कि उठो भारत भाई, उठो भारत भाई, उठो भारत भाई, और ऐसा होना चाहिए हाँ मैं उठ गया हूँ अब मैं सबको संभाल लूंगा, ऐसा होना चाहिए था। तो लोगों के व्याघात करना मतलब लोगों को उठाना चाहते थे, उनकी राष्ट्रीय चेतना को और प्रबल रूप से भड़काना चाहते थे वो, ताकि लोग आगे राष्ट्र के लिए आगे आए और आज़ादी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दें, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं रखी। अब समस्या क्या है? अंगिरस का निर्णय ना कर पाना, ठीक है। दूसरी क्या है? वर्ग के अंदर अब आपसे पूछ ले कि भाई अंगिरस के अंदर, तो आप बता दिए कि भाई अंगिरस के अंदर अपन रख ही नहीं पा रहे, तो अब सबसे बड़ी बात है कि भाई प्रसाद का ये जो नाटक है ये सुखांत है दुखांत है या क्या है? तो आप बताओगे ना तो ये सुखांत है ना ये दुखांत है, ये तो प्रसादांत है। तो प्रसादांत कैसे है? तो आप बता देंगे कि सुखांत कैसे होता है कि भाई युद्ध का समाधान हो जाए, तो युद्ध का समाधान कर दिया लास्ट के अंदर, सारे युद्धों का समाधान कर दिया स्कंदगुप्त ने, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो युद्ध का समान तो समाधान हो गया, नायक भी धीरोदात है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुखांत अंत का एक फॉर्मेट होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन सुखांत अंत क्यों नहीं है? तो इसके अंदर आप बताओगे नायक सब कुछ जीत गया पर इश्क हार गया। अब बेचारा गरीब आदमी सारी दुनिया जीत लिया लेकिन जिससे प्यार करता था देव से ना, उससे बात करी और उसने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया साहब कि भाई ये तो आध्यात्मिक प्रेम है, इस जगत के तो मतलब उस जगत के तो प्राणनाथ और इस जगत के मतलब उस इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही बातचीत, क्या है वो बताना चाह रही है कि अपन उस जगत में मिलेंगे, हमारी आत्माओं का मिलन होगा इस जगत के अंदर, हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इस तरीके से चल रहा है बात कि वी आर जस्ट फ्रेंड इस जन्म के लिए, तो अगले मतलब जो परलोक में अपन मिलेंगे उसमें हमारी आत्माओं का मिलन होगा, इस तरीके से बता रहा है।
तो शुद्ध रूप से सुखांत भी नहीं है यार, सब चीजें होनी चाहिए ऐसे। तो लास्ट में सेनाई बजनी चाहिए थी, पों 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 वो वाली सेनाई बजनी चाहिए थी, और फिर सारा कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए था, फिर लिखा हुआ था द एंड, तो ऐसा खुशी होती। लेकिन बेचारा सब कुछ जीतने के बाद में जो है लड़की ने मना कर दिया, तो थोड़ा ऐसा चल रहा है बेचारे के मन में। दुखांत, अब दुखांत है या नहीं, तो दुखांत है कि कौन से पक्ष में है, नायक भद्र है, अंत में हारता है, विरेचन जैसा माहौल है। तो ये दुखांत के अंदर होता है ये सारी चीज़ें भाई। अंत में उसको देवसेन नंदी मिली, थोड़ा दुखांत जैसा माहौल है ना, अंत में हल्का लग रहा है, विरेचन जैसा माहौल है। लेकिन नहीं के अंदर कौन सा ले सकते हो आप, देश के संकट निपट गए भाई। दुखांत इसलिए नहीं है कि अगर देश में बोके वही संकट होते जो पहले थे तो अपन दुखांत लेते, देश में सारे संकट निपट गए। शुद्ध रस से दुखांत नहीं है, मतलब शुद्ध रूप से दुखांत नहीं है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते सारी चीज़ दुखी दुखी हो रही है, कोई अच्छी चीज़ें भी हो रही है भाई, सारे मनहूस बन के थोड़ी रहेंगे, थोड़ी अच्छी चीज़ें भी हो गई, तो इसको टोटल दुखांत भी नहीं बता सकते अपन, दोनों में बराबर चल रहे हैं। तो अब लोगों के दिमाग में ये आ गया भाई, दुखांत भी नहीं है सुखांत भी नहीं, तो तुम बताओ सही तो क्या है, फिर आप बताएंगे कि ना शुद्ध रूप से दुखांत है ना शुद्ध रूप से सुखांत है, ये तो प्रसाद का दर्शन है आनंदवाद, तो आनंद मूलक शांत रस है ये, तो आप बता देंगे भाई। सुख और दुख से जब आदमी ऊपर उठ जाता है ना, तो उसके बाद में आता है आनंद, और ये आनंद मूलक शांत रस है। फिर आपके लिए तालियां बजेंगे पीछे, फिर आपको माला पहनाई जाएगी, वो देखो बच्चा मिल गया बच्चा मिल गया बच्चा मिल गया, इसी की खोज हो रही थी इसी। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे प्रसादांत नाटक का। एक चीज़ और देख लेते हैं इसी के अंदर है कि भाई इतिहास बोध, जैसे कि शुरू में उन्होंने बताया था कि भाई मैंने इतिहास में से इतिहास क्यों चुना है। देखो कोई भी आदमी जब ऐतिहासिक चीज़ें लेकर और कुछ नाटक लिखता है ना, तो उसमें उसकी कुछ वजह होती हैं। तो इतिहास का बोध, दृष्टि, दर्शन, दृष्टिकोण, नजरिया, ये सारी चीज़ें प्रसाद की रही है। तो वैविध्य रहता है, देखो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी है, साम्राज्यवादी है, मार्क्सवादी है, सबाल्टर्न है, स्त्रीवादी है, दलित विमर्श है, आदिवासी है, ये सारी उपयोगितावादी में आप ले सकते हो कि इनका उपयोग किया जा सकता है। इतिहास के नजरिए हैं, बोध है एक तरीके से। कोई बोलता है कि भाई गुप्त साम्राज्य बहुत अच्छा था, बोल नहीं मैं तो पेड़ों के हिसाब से देखूंगा कि वहाँ पे पेड़ों की क्या हालत थी, पेड़ सही थे या नहीं थे, पेड़ प्रकृति के हिसाब से हम वो देखेंगे इतिहास को। कोई बोले कि दलितों के हिसाब से हम इतिहास को देखेंगे, तो अलग अलग विमर्श हो सकते हैं लोगों के। तो ये उपयोगितावादी नज़रिया है। प्रसाद का इतिहास बोध क्या है, उपयोगितावादी नज़रिया है उनका भी, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, नव जागरण की चेतना वो उभारना चाहते हैं। अगर आपको इस तरीके से अगर कुछ मिल जाए, तो आपको 70% जो है अपनी ओर से 5-6 वाक्य लिखने हैं, जैसे कि उस समय देवबंधु वर्मा जैसे चरित्र देश को बचाने के लिए व्यक्तिगत हित को त्याग दे, ठीक उसी तरह आज के ज़माने में करना चाहिए, ऐसा कुछ जो है आप इस तरीके से 5-6 वाक्य लिख देंगे कि भाई जो उपयोगितावादी नज़रिया था भारतेंदु का, उसके अंदर नव जागरण की चेतना जगानी थी लोगों के अंदर, और राष्ट्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वो आगे लेके चले थे। अब देखो कहीं कहीं पे लिंक टूट भी जाता है, तो वो कैसे टूटता है, इतिहास कल्पना कल्पना संबंध। देखो प्रामाणिकता पहली तो होनी चाहिए, एक तो रासो से तुलना करके देख लो, रासो कवियों ने तो बस ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि बस पूछो मत। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजा सर पे लुटा रहा है तो आप जो मर्जी आए लिख दो, ऐसा भी नहीं। प्रसाद की जैसे मैंने बिल्कुल प्रमाणिक लिख दिया आपने, इतना खतरनाक कि बस पूछो मत। तो थोड़ी बहुत दोनों चीज़ें चलती है, तो मात्रा है कल्पना कितनी हो, है ना, उद्देश्य क्या है, सबसे पहली बात तो ये, हमारा उद्देश्य क्या है, मनोरंजन है कि भाई कोई नव जागरण की चेतना जगानी है, देश को उठाना है क्या, अपना जो मात्रा है वो किस तरीके से, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, तो इतिहास कितना लेना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो एक तो होता है कि इतिहास ज़्यादा हो और कल्पना जो है वो थोड़ी मात्रा हो, बिल्कुल छोटी सी थोड़ी बहुत कल्पना ले रही कि स्टोरी लिंकेज हो जाए, थोड़ी बहुत कल्पना ले लें। कल्पना करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो प्रसाद ने खुद बताया अपने शुरू के जो पेज है ना, अब उसके जो पढ़ोगे तो शुरू के पेज के अंदर सारी बात बताई है कि उन्होंने कल्पना 4 वजह से ली है। वैसे तो सब सही था, उन्होंने सारी चीज़ बताई है कि भाई मैंने कम से कम कल्पना लेने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ जगहों पर कल्पना का सहारा लिया है, और उनकी 4 वजह थी, उन 4 वजहों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बता दिया। तो पहली वजह थी उनकी अंतर्जीवन, यानी मन के भीतर के भावों को दर्शाने के लिए कई बार क्या उन्होंने थोड़ा बहुत कल्पना का सहारा लिया है, कि भाई जो मन के अंदर देखो क्या होता है कि कोई इतिहासकार जैसे गांधी जी है, गांधी जी के जो पत्र लिखे हुए हैं या जो चीज़ हो रहे हैं या कुछ भी है, जो चीज़ उनके अभिलेख हैं उनसे आप इतिहास लिखोगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के इतनी उम्र ली है उसने, 70-80 साल उम्र ली थी, ठीक है, जैसे उस व्यक्ति के इतनी उम्र ली है उसने, तो उसके मन में कई बार तो द्वंद्व भी तो आए होंगे, मन के अंदर कई द्वंद्व आते हैं, कई चीज़ें होती हैं,
तो उस दर्शन को कैसे समझाएंगे आप? उनके जो मन में द्वंद आएंगे, क्योंकि वो तो कहीं लिखे नहीं होंगे ना कि आज मेरे मन में ये द्वंद, आज मेरे मन में ये विचार आया, इसके लिए आज एक सिक्का जारी करा जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। विचार तो कैसे भी आ सकते हैं मन में। तो अपने दर्शन को बताने के लिए, लोगों तक तो पहुँचाने के लिए, मन के भीतर के जो द्वंद है उनको दिखाने के लिए कहीं कहीं पर कल्पना का अवलंबन लिया है, मतलब कल्पना को उन्होंने लिया है। दूसरा है श्रृंखलाएं बिठाने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए। जैसे मान लो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है कि भाई 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो अब आप पूछोगे भाई ये बीच के 5 साल क्या कर रहे थे, गांधी जी कहाँ थे इस समय? तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। उस 5 साल का लिंक कैसे बैठेगा, उस लिंक को बैठाने के लिए थोड़ी कल्पना करिए, इन्होंने भी करी है कि भाई बीच के अंदर कुछ इतिहास के अंदर जो थोड़े बहुत हो जाते हैं ना, गायब हो जाते हैं चीज़ें, तो उनको लिंक बैठाने के लिए। अब जैसे मान लो ये तो स्वतंत्रता संग्राम तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो इसका तो लिंकेज बैठाने के लिए बहुत सारे प्रमाण और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ज़्यादा पुरानी चीज़ों को आप वो ला नहीं सकते ना, इसलिए श्रृंखलाएँ बैठाने के लिए भी इन्होंने कल्पना का थोड़ा सहारा लिया है। दूसरा दर्शन को, अपना दर्शन प्रस्तुत करने के लिए भी इन्होंने थोड़ी सी कल्पना का सहारा लिया है। उसके बाद में देश काल मुक्त करने के लिए, आज के समय से जोड़ने के लिए या प्रासंगिक बनाने के लिए थोड़ी बहुत कल्पना का सहारा लिया है। अब देखो अगर स्कंद गुप्त के ज़माने के अंदर देश काल वातावरण कुछ अलग ही दिखेगा, पूरा सब कुछ अलग ही दिखेगा, तो अपन आज से रिलेट कैसे कर पाएंगे? तो रिलेट करने के लिए थोड़ा बहुत कल्पना भी लेनी पड़ती है। तो ये 4 वजहों से उन्होंने कल्पना का सहारा लिया है। चाहे तो ज़्यादा ऐतिहासिक कुछ काल्पनिक, मतलब बहुत कम काल्पनिक लिए हैं, बाकी ज़्यादातर ऐतिहासिक लेने की पूरी पूरी कोशिश करी है उन्होंने। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय।